हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा चाट। ये बहुत टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा चाट। स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप मटर को, ये वाइट वाला मटर है, इसको मैंने रात भर फूलने के लिए डाल दिया था। और ये ले लेंगे हम, ये अब देखिए कितना दोगुना हो गया फूल के। और एक आलू, इसे भी मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और पानी में डाल दिया था थोड़ी देर के लिए। आलू और मटर को बॉयल कर लेते हैं पहले। तो मटर को पानी में निकाल के और ले लेते हैं। आलू और पानी उतना लेना है जितने में कि आलू और मटर जो है वो अच्छे से डूब जाए, और उसके थोड़ा ऊपर तक इतना सा पानी रहना चाहिए। नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी, का ढक्कन लगा के और हम 5 सीटी से लगने देते हैं। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो इसे हम गैस पे चढ़ा लेते हैं। ये मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया, अब हम इसकी सीटी लगने देते हैं। ये आलू और मटर जो है अच्छे से उबल गया। अब हम इसे साइड कर लेते हैं और एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 3 तेज पत्ता। खड़े मसाले जब चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए। प्याज को हल्का सा लाल होने तक भूनेंगे। प्याज जब हल्का सा लाल हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छे से प्याज के साथ भून लेते हैं। प्याज जो है वो लाल हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल देने हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। यहीं पे हम कुछ मसाले ऐड करते हैं, जिसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 जीरा पाउडर और 1/4 गरम मसाला पाउडर। अब हम सारे मसालों को और टमाटर को तब तक भून लेंगे जब तक कि मसाले भी अच्छे से पक न जाए और टमाटर जो है वो गल न जाए। तो कंटिन्यू चलाते हुए ही इसे हमें भून लेना है। टमाटर जो है गल गया है और मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, मसाला जो है तेल छोड़ने लगा है। तो अब जो हमने मटर और आलू को उबाल के रख रखा है रगड़ा पैटिस के लिए, वो हम इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। पानी की अगर आपको जरूरत लगे आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। इसे थोड़ी देर हम खोलने देते हैं। सब्जी जो है खोलने लगी है। अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ धनिया पत्ता। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये रगड़ा पैटिस चाट के लिए आलू मटर तैयार हो गया। अब हम चाट की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसे।
बड़ा चाट तैयार करने के लिए जो हमने व्हाइट मटर बना के रखा है उसे ले लेंगे एक प्लेट में। इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं चाट की। इसके ऊपर से हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज। टमाटर कटा हुआ, जरा सा काला नमक टेस्ट के हिसाब से, हरी चटनी, इमली की चटनी, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, हरा धनिया कटा हुआ और आलू भुजिया। ये हमारा रगड़ा चाट जो स्ट्रीट स्टाइल है वो बनके तैयार हो गया। आप इसे एक बार जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।